हाय फ्रेंड, ज्ञान के दीपक में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चूजे यहाँ पे लगभग 5 दिन के हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इनको ब्रूडिंग के लिए अलग ब्रूडर में शिफ्ट करने वाले हैं। दोस्तों, चूज़ों को लगभग 5 दिन तक या 7 दिन, आप जितने दिन में रख सकते हो, 2-3 दिन तक इनको इनक्यूबेटर में रख सकते हो, क्योंकि हमें जल्दी ही इसमें नए एग का बैच डालना है। ये जो एग देख रहे हैं आप, इनकी हैचिंग होने वाली है, इनमें से चूजे निकलने वाले हैं, इसलिए हमको इसमें शिफ्ट करना है और नए अंडे भी इनमें डालना है। तो इसलिए हम इनको अब यहाँ से निकाल रहे हैं। इनके लिए हमने दोस्तों एक ब्रूडिंग बनाया है। ये है दोस्तों इनका ब्रूडिंग सिस्टम, ये हमारा ब्रूडर है, आप देख सकते हैं। इस पर टेम्परेचर कंट्रोल लगाया हुआ है और अभी हमने इसको ज़्यादा गर्म करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा किया हुआ है, 38। जब हम चूजे डालेंगे तो हम इनको 37 या 36.5 पे कर देंगे। और ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है, जो कि एक्स्ट्रा जब गर्मी होगी तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हवा को बाहर फेंक देगा। और ये हमारा ब्रूडर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यह चूजे को बैठने के लिए बनाई गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक पुराना कट्टा बिछा के उसके ऊपर गेहूँ की भूसी डाल दी है, जिससे यह इसमें बिल्कुल सूखा रहेगा, ज़्यादा नमी नहीं आएगी इसमें। और साथ ही हमने यहाँ पर एक फैन लगाया हुआ है, जो कि इसके अंदर की हीट को सर्कुलेट करेगा। और यहाँ पर हमने एक 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है, जो कि इसमें टेम्परेचर बना के रखेगा। और यह टेम्परेचर सेंसर है दोस्तों, यह टेम्परेचर सेंसर हमको बीच में लगाना है। और एक एलईडी लाइट लगाई है, एलईडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बल्ब तो लगभग थोड़ी देर में बंद हो जाएगा टेम्परेचर कंट्रोल के हिसाब से, तो चूज़ों के लिए बल्ब बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हम इनमें अब डालने वाले हैं चूजे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम चूज़ों को शिफ्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं चूजे कितने छोटी हैं, कितने तेज हैं। ये हुए दोस्तों हमारे चूजे, ये चूजे देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इनको डालने वाले हैं अपने इस ब्रूडर में, तो हम इनको डाल देंगे ब्रूडर में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको खेलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है, इनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे इनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी और इनकी ग्रोइंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी दोस्तों। और साथ ही हम इनको यहाँ पे लगभग खाना और पानी देते रहेंगे लगातार, उसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएँगे। तब तक के लिए दोस्तों, हमारे चैनल के अन्य वीडियो जरूर देखें। वीडियो संबंधी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर करें। दोस्तों, एक बार बताना कि हम इस ब्रूडिंग में इसको, वैसे तो दोस्तों ब्रूडिंग में लगभग 21 दिन तक रखते हैं, वैसे 21 दिन की ज़रूरत नहीं होती है, मौसम अभी गर्मी का मौसम है, तो इनको कम से कम 1 हफ्ता ब्रूडिंग में रखते हैं। और आपको अच्छी, अगर आप कुछ, आप ये चाहते हैं कि इनकी जो भी ग्रोइंग है वो अच्छी हो, तो आपको इनको ज़्यादा दिन तक इसमें ब्रूडिंग में रखना पड़ेगा। तो मैं इनको लगभग 21 दिन तक ब्रूडिंग में रखता हूँ, जिससे कि यहाँ से लगभग 200 ग्राम 250 ग्राम के होके 21 दिन में बाहर को निकल जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।